हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गैजेट फ्रीक रिव्यू। और आज का जो मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो है वो है ओरिजिनल नोकिया 3310 का। जी हाँ, मैंने इसे अब खरीदा है, नोकिया 3310। और ओरिजिनल है ये, कोई कॉपी या इंस्पायर्ड मोबाइल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कॉपीज भी आ चुके थे और बहुत सारे इंस्पायर्ड मोबाइल भी आ चुके थे मार्केट में इस मोबाइल के बाद, रीलॉन्च होने के बाद। तो मैं आई वॉज वेटिंग फॉर ओरिजिनल फ्रॉम ऑफलाइन मार्केट, ऑनलाइन में मुझे ज़्यादा मिला नहीं था, बट अभी अमेजोन में भी ये अवेलेबल है। सो इनकेस आप लेना चाहते हैं तो अमेजोन सब ले सकते हैं, या फिर मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको पेस्ट कर दूंगा। तो जाते हैं इसके अनबॉक्सिंग में और देखते हैं कि मोबाइल कितना अच्छा है, और कंपेयर करते हैं इसके ओल्ड मोबाइल के साथ। सो लेट्स डू द अनबॉक्सिंग। तो मोबाइल के पास जाने से पहले हम इस बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ डिटेल्स है दिए गए हैं तो बता देता हूँ। नोकिया 3310 ड्यूल सिम है, 2 MP का कैमरा विद LED फ्लैश है, अप टू 22.1 आवर्स का टॉक टाइम है, और स्टैंड बाई 25.3 डेज करके दिया गया है। स्नैक जो गेम है प्रीलोडेड है, ओपेरा स्टोर है, गेम्स एप्स FM रेडियो, माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट है 32 GB तक, एंड माइक्रो सिम का। बॉक्स के अंदर आपको मोबाइल, बैटरी, वारंटी कार्ड, चार्जर और हेडफोन दिया जाता है। तो दैट्स इट, यहाँ पे नोकिया 3310 का ड्यूल सिम दिया लिखा गया है, प्रिंट किया गया है, एंड यहाँ पे कुछ IMEI नंबर मेड इन इंडिया करके लिखा है, बट आई डोंट नो ऑन विच बेसिस पूरा मेड इन इंडिया का बात करते हैं, क्योंकि बैटरी तो चाइना, मेड इन चाइना करके लिखा है। यहाँ पे इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है तमिलनाडु से बन के आया हुआ मोबाइल है, एंड यहाँ पे September 2017, एंड MRP दिया गया है 3599 रुपीज में। सो अब हम जाते हैं इसके मोबाइल में एंड सी कि ऑन करके कि कितना अच्छा है। ओके, तो आपको मोबाइल के अंदर, मोबाइल के साथ आपको पहले एक चार्जर मिलता है जो कि 1200 mAh बैटरी है, और उसके बाद आपको ये चार्जर मिलता है 3310 का चार्जर है ये, विद एंड्रॉइड पिन है इसके साथ, और ये रहा इसका चार्जर। और आपको यहाँ पे क्विक गाइड मिलता है 3310 का, और ये जो हेडफोन है ये एवरेज हेडफोन है, नोकिया थ्री मोबाइल में भी सेम ऐसे ही हेडफोन था शायद।
तो दोस्तों अभी आपने इसमें जो क्लिप देखा इससे आपको इसके आउटर फीचर्स के बारे में पता चल गया होगा। गेम्स के बारे में देखा जाए जो इसका आइकॉनिक गेम होता है स्नेक, जो इसके बारे में बोल रहे थे प्रीलोडेड स्नेक गेम, बट मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसका एक्चुअली जो ओरिजिनल 3310 में होता था वो स्नेक गेम वाला अच्छा था, और एज इट्स रीलॉन्च और अपग्रेडेड वर्जन है तो इसमें कुछ उन्होंने फीचर्स आज के जनरेशन की तरह डाला है, जैसे कि उन्होंने ओपेरा स्टोर में डाला है जिसमें आपको कुछ ऐप्स मिल सकते हैं जिसे आप डाउनलोड करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें और बहुत सारे कुछ अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि कैमरा हो 2MP का है विथ LED फ्लैश, वो भी अच्छा है, वॉइस रिकॉर्डिंग हो, मीडिया प्लेयर हो, और अदर नॉर्मल फीचर फोन्स में जो जो होना चाहिए वो सब है इसमें। बट इसका डिस्प्ले मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कि इसके ओल्ड मोबाइल कैसे थे, 3310 वो थोड़ा थिक था, ये थोड़ा स्लिम है, हैंडी है, बहुत ही अच्छा लगता है, एंड गुड क्वालिटी स्ट्रांग बिल्ड है इस मोबाइल का, और वो जाना जाता है बिल्ड के लिए 3310, और बहुत सारे इसके ट्रोल्स एंड मेमेस आप देख सकते हैं, इवन वीडियोस भी देख सकते हैं, ह्यूमर वीडियोस भी देख सकते हैं 3310 को किस तरह उन्होंने कंपेयर किया है। तो उसका जो फेम था इसीलिए इसे एक बार वापस उन्होंने लॉन्च किया है, बट 2G वेरिएंट में लॉन्च किया है, एटलीस्ट वो 3G वेरिएंट में लॉन्च करते तो अच्छा होता, बट अभी इसका 3G वेरिएंट भी लॉन्च हो चुका है एंड इंडिया में शायद इसका 4G वेरिएंट भी लॉन्च हो जाएगा ऐसे मैंने सुना है। तो होप कि वो जो 4G वेरिएंट आएगा तो बहुत ही अच्छा धमाल करेगा। अदर देन दैट मुझे ये बिल्ड बहुत ही अच्छा लगा, एंड एक आइकॉनिक फ़ोन हाथ में लेते वक्त अब इट्स रियली फील्स गुड, क्योंकि इसे ऑलरेडी मैंने यूज़ किया है 2001 to 2002 में यूज़ किया था, उसके बाद मैं आज ही इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो इट्स फील्स गुड। अगर आप भी लेना चाहते हो तो एक्सपायर मोबाइल की तरह आप इसे ले सकते हैं और इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। 1200mAh का बैटरी है तो भी अच्छा है, साउंड भी अच्छा है। आई होप आपको इसमें आपको साउंड आपने सुना होगा, बट अगर नहीं सुना तो मैं वापस आपको साउंड सुना देता हूँ। साउंड इज गुड, तो साउंड इज ऑल्सो गुड, कैमरा इज ऑल्सो गुड, बिल्ड क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, फुली प्लास्टिक मेड है, buttons is also backlit buttons, and display is also good, really very smooth, और I think headphone थोड़ा इसका sound अच्छा ही है, बुरा नहीं है, मैंने Nokia 3 में use किया था तो same headphone ही है, तो I think sound भी अच्छा ही होगा। radio facility सब जो normal feature phones में, आज के generation के जो normal feature phones में होते हैं वो सब इन्होंने इसमें दिया है। तो और कुछ ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, जस्ट वो एक आइकॉनिक 3310 को याद के लिए उन्होंने ये लॉन्च किया है, एंड इट ऑलरेडी वाज फेमस इन यूट्यूब आल्सो, बहुत लोगों ने इसका अनबॉक्सिंग एंड व्यूज़ किया है, मुझे आज ही मौका मिला इसका अनबॉक्सिंग करने के लिए, और रियली मुझे अच्छा लगा इसे हाथ में लेते वक्त। वो 3310 जो मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था वैसे ही लग रहा है, तो अपने लिए पर्सनली मैं ये ज़रूर रखूँगा, एंड अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं अमेजोन का जो लिंक है उसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ। सो दैट्स इट, आई होप कि आपको इस वीडियो को देखकर इस मोबाइल के बारे में कुछ आइडिया मिला होगा, एंड आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डू सपोर्ट माई चैनल, थैंक यू वेरी मच, एंड मीट यू सून in my next video. Thank you again.